सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बिल्कुल कमाल के बिल्कुल नए आइडिया फ्रेश कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारे वीडियो का होने वाला है वो बिल्कुल फ्रेश होने वाला है, ठीक है। इस टॉपिक पर पूरे यूट्यूब पर अभी तक आपको कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेश आइडिया है दोस्तों। पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप यूट्यूब पर ग्रो होना चाहते हैं तो उसका दो तरीका होता है। पहला ये कि जो कैटेगरी आप करें वो सबसे पहले आएँ, मतलब जो करना चाहते हैं उसके अंदर सबसे पहले आएँ, या ऐसा नहीं होता है तो सबसे अच्छा करें, ठीक है। और ये जो आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल मस्त आइडिया है, बिल्कुल फ्रेश आइडिया है। अगर आप सबसे पहले काम करेंगे तो आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रो कैसे करना है, कैसे वीडियो बनानी, कैसे काम करना है, थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा, बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो गाइस, हम आ चुके अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाऊंगा डेमो, ठीक है, कि जो आइडिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर लोग काम कैसे कर रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसे बनानी है, पहले आपको डेमो देखना पड़ेगा। देखो, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यूट्यूब आने में यहाँ पे सर्च करूँगा ड्रॉइड गेम प्ले टीवी। अब ठीक है, ये देखो, ये चैनल मेरे सामने आ चुका है। इनके सब्सक्राइबर आप देखिएगा, अप्रॉक्स 4 मिलियन के आसपास होने वाले सब्सक्राइबर है, ठीक है। और वीडियो कितना अपलोड किया है, अप्रॉक्स 10,000 वीडियो इसने अपलोड कर दिया है। देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो दिमाग खुल जाएगा आपको। देखो, 13 घंटे पहले 10,000, 10,000, 25,000, ठीक है, 16,000। ये बंदा जो एक दिन के अंदर 4 वीडियोस अपलोड करता है, एक दिन में 4 वीडियो, और वीडियो बिल्कुल नॉर्मल होती है, ना कोई वॉइस है, ना कोई फेस है, कुछ नहीं ना। मैं एक वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखो आवाज़ कम कर देता हूँ। हाँ देखो, अब एक वीडियो मान लीजिए मैंने प्ले किया। अब देखो, ये जो चैनल है, कंट्री जो है, ये है US कंट्री का चैनल है, ठीक है। और यहाँ पे भाई RPM बहुत अच्छा RPM होता है, 10,000 व्यूज़ पे इसको $7-8 मिल जाता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। देखो, यहाँ पे ऐड खत्म होने दो। देखो, अब गेम प्ले देखो, केवल क्या गेम प्ले जो होता है, नॉर्मल ट्रैक वाला गेम प्ले, कार वाला गेम प्ले, ये बंदा रिकॉर्ड करता है और उसको अपलोड करता है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ तरीके होते हैं, कैटेगरी होती है, कैसे अपलोड करना, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये सब होता है, ठीक है। अब देखो, ये वीडियो बिल्कुल सिंपल वीडियो, ये सब जो है गेम आप अपने फ़ोन में कभी ना कभी खेले ज़रूर होंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल गेम है, केवल आपको रिकॉर्ड करना है, उसको थोड़ा सा एडिट करना है, ठीक है। अब देखो, आपने देखा गेम प्ले कैसे है, इसको कट करते हैं। अब देखो, ये बंदा जो है कितनी वीडियो अपलोड करता है, देखो 15,000, 11,000, 13,000, मतलब इतना व्यूज़ आ रहा है, मतलब जो इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जितने भी इसने गेम प्ले खेले हैं, सारा गेम प्ले मोबाइल गेम प्ले है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो है गेम प्ले खेल सकते हैं, ठीक है। आपको लैपटॉप या PC की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मैं आपको दिखाता हूँ चैनल कहाँ का है। देखो, अबाउट में गया, यहाँ पे आप देखिए, ये चैनल US कंट्री का चैनल है। और अर्निंग कितनी होती है वो मेन चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे देखो, इस पे लिंक कॉपी करेंगे, शेयर पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करके चलेंगे सोशल ब्लेड वेबसाइट पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आ चुके, यहाँ पे इसका चैनल देखो आप, क्या नाम है, ड्रॉइड गेम प्ले टीवी, ठीक है, ड्रॉइड गेम प्ले टीवी। अब इसकी जो यहाँ पे देखो व्यूज़ कितना आता है, 30 दिन के अंदर अप्रॉक्स 12 मिलियन के करीबन इसका व्यूज़ आता है, 11.92 मिलियन, मतलब अप्रॉक्स 12 मिलियन के करीब इसका व्यूज़ आता है। अर्निंग देखो आप, $3,000 व्यूज़, मतलब $3,000 से लेकर $47,000, ओ माई गॉड, ठीक है। इतना इसका नहीं होता होगा, इससे ज़्यादा ही होता होगा, क्योंकि भाई चैनल जो है US कंट्री का चैनल है, इतना आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, इतना तो आप लोग जानते होंगे कि भाई अर्निंग जो है इसकी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती होगी। चलो मिनिमम हम मानते हैं 3,000 ही मानते हैं, 3,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,000 USD टू इंडियन रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, 2,40,000 रुपये हो रहा है, केवल 3,000 USD, यानी $3,000 कितना हो रहा है, 3 लाख रुपये हो रहा है, ठीक है, अप्रॉक्स जो है 2,40,000 रुपये। तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि भाई कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है US कंट्री में। और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो ऐसी वीडियो है उसे कैसे क्रिएट करनी है, कैसे बनानी है, ठीक है। अब चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, अब हम आ चुके अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको आना प्ले स्टोर के ऊपर, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रक गेम, ठीक है, TRUC के ट्रक गेम, ट्रक गेम आप सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे गेम आ जाएंगे। अब आपको वो गेम प्ले खेलना जिसकी जो है ग्राफिक्स थोड़ा सा अच्छी हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ये पहले वाला गेम प्ले ट्रक सिमुलेटर MPT, ठीक है, ये जो गेम प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी, ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छा है इसका, ठीक है, 100 मिलियन प्लस, ठीक है, मतलब 10 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है, मतलब समझ सकते हो कि डिमांड कितनी है, ठीक है। तो आपको सिंपल एक गेम प्ले को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप और भी गेम प्ले देख सकते हो, बहुत सारे गेम प्ले आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। और मैंने यहाँ से शुरुआत किया है कि आज से आपको रेगुलर एक नए टॉपिक पर वीडियो देखने को मिलने वाली है। तो फटाफट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो। और अब मैं प्रमोशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द,
ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर देना और जो है सब्सक्राइब करो चैनल को। अब देखो ये जो है गेम डाउनलोड हो रहा है, अब डाउनलोड होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको जो वीडियो है उसे कैसे क्रिएट करना है, कैसे शूट करना है, कैसे एडिट करना है। ठीक है, अब देखो फटाफट गेम प्ले हमारा जो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है 2 सेकंड वेट कर लेते हैं। हाँ, तो गेम प्ले भी हमारा इंस्टॉल भी हो चुका है। तो सिंपल आपको इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आपको करना क्या होगा, आपको जो है ओपन बटन पर क्लिक करोगे तो आपका गेम प्ले ओपन है। चलो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप गेम को डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और कुछ परमिशन मांगेगा। ठीक है, तो परमिशन को फटाफट अलाउ कर देना। उसके बाद आपको इतना ध्यान रखना है, जब आप गेम प्ले खेलो तो अपने फ़ोन का जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको चालू कर लेना। अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं ना, तो प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। करने के बाद उसकी क्वालिटी को बिल्कुल मैक्स कर देना, बिल्कुल हाई क्वालिटी कर देना। ठीक है, अब देखो करने के बाद देखो यहाँ पर आपका गेम प्ले, एक्चुअल गेम प्ले जो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो मेरे सामने जो है गेम प्ले स्टार्ट होकर ट्रक मेरे सामने खड़ी है। ठीक है, अब उसको आपको ध्यान ये रखना है, जैसे गेम प्ले आप खेलो तो आपको बार बार ये आउट नहीं होना है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से खेलना है, थोड़ा सा टाइम लेके 10 मिनट 15 मिनट आपको गेम प्ले खेलना है। और आपकी जो वीडियो बनेगी वो 15 से 8 मिनट 20 मिनट की वीडियो बनेगी। ठीक है, अप्रॉक्स आप वीडियो बनाना 5 मिनट से ऊपर वीडियो बनाना। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल आपको गेम प्ले खेलना है, बस इतना ध्यान रखना कि आउट बार बार ना हो और गेम प्ले को थोड़ा सा लंबे खेलो, 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट ऐसे खेलो। ठीक है, अब खेलने के बाद चलो मैं बताता हूँ कि आपको गेम प्ले जब रिकॉर्ड कर लोगे उसके बाद एडिट कैसे करना है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस गेम प्ले को रिकॉर्ड करने के बाद आपको करना पड़ेगा वीडियो की एडिटिंग। ठीक है, जो आपने अभी गेम प्ले रिकॉर्ड किया था वो अभी इंटरेस्टिंग गेम प्ले नहीं ना। ठीक है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना काइंड मास्टर ऐप को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको मीडिया पे क्लिक करके फटाफट आपको बैकग्राउंड पे जाना और ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड आपको फटाफट ले आना है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे ले आया। अब उसके आपको करना क्या पड़ेगा, देखो सबसे पहले आपकी जो वीडियो है कितने मिनट की बनी है, मान लो अप्रॉक्स 5 मिनट की 6 मिनट की 7 मिनट की 8 मिनट की जितनी बड़ी आपकी वीडियो बनी हो, ठीक है, तो उतनी बड़ी आपको बैकग्राउंड कर लेना है। अब देखो मैंने एग्जांपल मैं 1 मिनट बनाया हूँ वीडियो, तो मैं इसको 1 मिनट कर लूँगा। देखो मान लो मैंने इतना कर लिया, ठीक है 1 मिनट तक। अब उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले जो है लेयर पे क्लिक करना और जो आपने गेम प्ले को रिकॉर्ड किया था उसको आपको फटाफट यहाँ पे ले आना है। अब देखो मैंने ये गेम प्ले रिकॉर्ड किया हुआ था गेम प्ले का, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ले आए हैं। तो आपको सिंपल ले आने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ से एक्चुअल गेम प्ले स्टार्ट होता है, देखो जैसे यहाँ से हमारा गेम प्ले एक्चुअल स्टार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, इतना जो है इस पर इतना पार्ट कट क्लिक करके यहाँ इतना कर जो बाकी का पार्ट कट कर देंगे। देखो बाकी का पार्ट कट हो चुका है। अब इस पर राइट पर क्लिक करके हम जो पार्ट है इसको हम ले आएंगे फ्रंट में, बिल्कुल आगे ले आएंगे। ये देखो बिल्कुल आगे आ चुका है। ठीक है, अब देखो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारा जो गेम प्ले स्टार्ट होगा, लाइट जल गई गाड़ी की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पर गेम प्ले पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये इतना हमने बड़ा किया, ये इतना हमने बड़ा कर लिया। ठीक है, इसको अच्छा सेट कर लेते हैं। हाँ, ये देखो बिल्कुल सेंटर हमने सेट कर लिया। अब करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जिस गेम के अंदर एक वॉइस पड़ा है, मतलब जो गेम का जो ओरिजिनल साउंड है उसको आपको करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कंटेंट आईडी मैच नहीं करनी चाहिए। अब देखो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको आना EQ बटन, आपके काइंड मास्टर में दिख जाएगा। EQ पे क्लिक करना, EQ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक, तो यहाँ पे दिखेगा वॉइस का। ठीक है, वॉइस पे क्लिक कर देना। वॉइस पे क्लिक करोगे तो इसकी कंटेंट जो आईडी होती है वो जो हल्की सी जो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब उसको आपको जो इसके जो ओरिजिनल आवाज़ पे जो इसको 50% कर देना है। अभी 100% होगा तो इसको 50 कर देना है। देखो इतना ऊँचा, इससे क्या होता है कि जैसे अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कोई दिक्कत जो है मतलब स्ट्राइक वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंटेंट आईडी जो पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, या अगर ज़्यादा हो तो आप इसकी जो आवाज़ को बंद भी कर सकते हो, लेकिन आपको आवाज़ बंद नहीं करना है। ठीक है, इतना करने के बाद देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना पड़ेगा। ऑडियो पर क्लिक करना और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करके आपको कोई अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना है। भाई मैंने आपको 100+ बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने आपको दिया हुआ है टेलीग्राम पे, तो आपको जो है वहाँ से कर लेना डाउनलोड। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे लगा दिया। देखो लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक को जो इसके साउंड को थोड़ा सा कम करेंगे, 90% कर देंगे अप्रॉक्स। हाँ, इतना कर देंगे क्योंकि ज़्यादा साउंड भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो इतना करने के बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे इतना हो चुका है, हमारा गेम प्ले रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अपना देंगे वाटर मार्क, क्योंकि अभी देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग चैनल बनाने वाले हैं, तो आपको अपना वाटर मार्क ज़रूर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा एग्जांपल अमन की वीडियो, मेरा चैनल का नाम है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम दे दूंगा। ये मैं फटाफट अपना नाम दे दूंगा, ये यहाँ पे मैंने अपना ऊपर नाम लिख दिया, तो यहाँ पे मेरा नाम हो चुका। ठीक है, सिंपल आपको अच्छे तरीके से जो है वाटर मार्क देना है, वीडियो को एडिट करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लेना। अब देखो इतना हो चुका। अब उसके बाद आपको मेन चीज़, जो मेन चीज़ आता है वो क्या करना है, देखो आपने बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा लिया, वीडियो को एडिट भी कर लिया, प्ले करके आपको दिखाता हूँ।
हाँ ये देखो हमारा गेम प्ले एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। देखो ये बिल्कुल HD क्वालिटी में हमने रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सिंपल आपको गेम पर एडिट करने के बाद आपको वीडियो करना है सेव। ठीक है, वीडियो करना है 4K जितनी क्वालिटी आपकी मैक्सिमम सपोर्ट करे, 1080p जहाँ तक सपोर्ट करे उसको करना है सेव। ठीक है, सेव करने के आपको मेन चीज़ आता है कंट्री, उसको कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो दिखाता हूँ। तो गाइस आपने जो है गेम प्ले एडिट कर लिया, ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ होता है कंट्री, आपके जो चैनल की कंट्री उसको चेंज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ठीक है, कंट्री चेंज करने के लिए आपको आना गूगल क्रोम पे आना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको जो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में दिखाता हूँ, आने आपको क्या करना है सबसे पहले देखो मैं दिखाता हूँ। सर पर पूरा टैप हटा देता हूँ, प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे देखो यूट्यूब आपको यहाँ पर सर्च करना है। देखो यूट्यूब आपको सर्च करोगे यूट्यूब, देखो यहाँ मैंने YouTube.com सर्च किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे सामने यूट्यूब ऐप ओपन हो चुका है। ठीक है, गूगल क्रोम के अंदर आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो चैनल है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका चैनल है सारा, यहाँ पे इस पर क्लिक करो सारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका चैनल उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा चैनल सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको जो है इस पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे दिखा है डेस्क टॉप साइट, इस पर क्लिक करना है फटाफट। इस पर आपने क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद ये जो है 1 सेकंड लोड लेगा। अब देखो इतना हुआ, उसके बाद आपको जो है अपने जो लोगो है इस पर क्लिक कर देना है। लोगो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है देखो योर चैनल का बटन दिखेगा, योर चैनल पे क्लिक करना है फटाफट। योर चैनल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कस्टमाइज चैनल का बटन दिख रहा है, तो कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है फटाफट। ठीक, कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करोगे तो ये आपको मतलब YT स्टूडियो में करेगा रिडायरेक्ट, फिर उसके बाद आपने जो है ओपन कर लेगा। ठीक है, देखो करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब देखो हमारे सामने जो चैनल ओपन हो चुका है, ठीक है, ये मेरा सेकंड चैनल जो आप लोग जानते होंगे लोफी सॉन्ग वाला मेरा चैनल है, वो मेरा चैनल है। ठीक है, जिसमें मैं काम नहीं करता। अब देखो यहाँ पे ओपन हो चुका है, ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे देखो यहाँ पे एक सेटिंग का बटन दिख रहा है, ये देखो सेटिंग का बटन, तो सेटिंग बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे एक आ रहा है चैनल का, ठीक है, चैनल का, चैनल पे क्लिक करना। चैनल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आ रहा है कंट्री, ठीक, कंट्री, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी कंट्री आ जाएगी। ठीक है, इंडिया, देखो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा US कंट्री को, नीचे आना US आपको नीचे दिखेगा। देखो ये देखो क्या दिख रहा है, US ना, यूनाइटेड स्टेट, तो आपको इस पर क्लिक करना। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट हो चुका है, इतना हो चुका है। अब उसको आपको क्या करना है, उसको आपको करना है सेव, सेव। ठीक है, तो सेव करोगे तो आपको जो कंट्री है देखो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आ रहा ना देखो सेटिंग सेव, ठीक है, तो आपको ऐसे कंट्री को आपको सेव कर लेना है। और कैटेगरी कौन सी रखनी, कैटेगरी मैं आपको बताता हूँ, कैटेगरी आपको रखनी है गेमिंग कैटेगरी। ठीक है, गेमिंग कैटेगरी आपको रखनी है। अब चलो बता दूँ टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। चलो, तो आपने इतना देख लिया, ठीक है, कंट्री कैसे करना, करने के बाद आपको जो है बनाना थंबनेल। तो थंबनेल के लिए आपको आना होगा इमेज सर्च मैन पे, यहाँ पे आने में आपको यहाँ पे सर्च करना है। देखो क्या सर्च करना है, ट्रक गेम, ट्रक गेम। देखो इसको सर्च करोगे तो गेम सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पर गेम प्ले के जो स्क्रीन शॉट जो है आ जाएंगे। ठीक है, ये आप खुद भी गेम प्ले जब खेलो तो उसके स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। ठीक है, या यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्क्रीन शॉट मेरे सामने मिल गया। देखो ये स्क्रीन शॉट मुझे मिल गया, ये देख रहे हो काफ़ी अच्छी HD क्वालिटी में स्क्रीन शॉट आपको मिल जाएंगे। तो देख रहे हो काफ़ी स्क्रीन शॉट आपको मिल जाएंगे, तो आपको केवल स्क्रीन शॉट ही लगाना है थंबनेल के ऊपर और कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मान लो ये स्क्रीन शॉट है, ये हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो है जाएंगे पिक्सल लैब के अंदर। पिक्सल लैब के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, इस पर 3 डॉट पर क्लिक करना और यूज इमेज साइज पर क्लिक करना, और उसके बाद आपको जिस वीक पर क्लिक करके जो आपने डाउनलोड किया था फोटो को मतलब थंबनेल को आपको ले आना, इस पर क्लिक कर देना। अब जो इस थंबनेल का साइज जो है सेट नहीं होगा, तो थंबनेल का साइज सेट करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर इस इमेज साइज पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर देना है। बस आपका थंबनेल जो रेडी हो चुका है। ठीक, अब इसको सेव कर लेना है। देखो अल्ट्रा पे क्लिक करके सेव कर लेना, बस आपका थंबनेल रेडी हो चुका है। ठीक है, अब चाहिए टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, तो वो कहाँ कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो टाइटल के लिए आपको आना टेलीग्राम पे आना, मेरे टेलीग्राम पे आने आपको जो है मेरे चैनल पे क्लिक करना, अमन के वीडियो जो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आना है 3 डॉट पे क्लिक करना, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आपको सर्च करना ट्रक गेम। ठीक है, ट्रक गेम, ट्रक गेम आपको सर्च करना। देख लो क्या सर्च करना है, आपको सामने जो लिखा रहा होगा ट्रक गेम, गेम्स नहीं ट्रक गेम सर्च करना है। सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब आप वीडियो देखोगे तब आप सर्च करोगे तो आपके सामने मिल जाएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल जैसे मैंने देखो कितना सारा यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, जो मेरे जो पहली वीडियो थी उसका मैंने अपलोड किया 1, 2, 3 वाला। देखो यहाँ पर माय फर्स्ट ब्लॉग मैंने अपलोड किया है, और बैकग्राउंड म्यूजिक देख लो आप, देखो कितने सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, देखो काफ़ी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने अपलोड किया हुआ है,
तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।